नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ होटल ताज में मीटिंग की। उत्तर प्रदेश के व्यापार सहित अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर मुख्यमंत्री के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत हुई। ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ होटल ताज में मीटिंग करी है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के व्यापार सहित अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर मुख्यमंत्री के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये द्विपक्षीय बातचीत हुई है। उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से एक सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां पे व्यापार को बढ़ाने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए लगातार कवायद तेज है, तो वहीं मॉरिशस से आए प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। यहां पे रोजगार जनता को मुहैया कराने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को और बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो ये जो दौरा है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का, वो काफी अहम माना जा रहा है कई महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हुए। साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मुख्य भूमिका रही है उनके दौरे में। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, ताज होटल में दोनों की मीटिंग हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ की और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की, किस तरह से देखते हैं? आपको बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ का आज 3 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। और आपको बताएं कि आज उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री के साथ आज उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें आपको बताएं कि मॉरिशस के साथ भारत के जो विदेश के एवं व्यापार से जुड़े तमाम आला अधिकारी है वो भी उनके मौजूद रहे। और इस दौरान मॉरिशस के साथ व्यापार को लेकर बात हुई। साथ ही साथ मॉरिशस में अगर देखें तो भारतीय का आना जाना लगा रहता है और आपस में सामंजस्य बना के ये देश दोनों चलते रहते हैं। उसी क्रम में संबंधों में मधुरता को लेकर और व्यवसाय में बढ़ोतरी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा हुई। इस चर्चा में साफ तौर पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लेकर, भारत के प्रोडक्ट को मॉरिशस में पहुंचाने को लेकर, उत्तर प्रदेश के जो उत्पादन है उसको मॉरिशस में पहुंचाने को लेकर बात की गई। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा जो कि मॉरिशस में बोली जाती है, तो इसको लेकर मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है वो आए दिन भारत के दौरे करते रहते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश उनका जो इतिहास गवाह है कि मॉरिशस का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जरूर आता है। उसी क्रम में इस बार प्रवीण जगन्नाथ आए थे, तो ये तमाम तीर्थस्थलों को घूमे और तमाम भारत की जो संस्कार संस्कृति है उससे रूबरू हुए। उसी क्रम में मुख्यमंत्री से वार्तालाप के बाद, चर्चा के बाद आज देर शाम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ आज रात्रि भोज का आयोजन होगा। और उस आयोजन में प्रधानमंत्री के साथ आए तमाम उनके सहयोगी एवं उनके तमाम परिवार के सदस्यों के साथ आज राज्यपाल के वहां उनका बुलावा है और वहाँ भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ उनके साथ स्थानीय विधायक भी वहाँ मौजूद रह सकते हैं। जी, अगर बात करें प्रस्थान की, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने परिवार और अन्य सदस्यों के साथ कब प्रस्थान करेंगे भारत से? जी, आपको बता दें कल सुबह वो मॉरिशस के लिए रवाना होंगे। वहीं आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री कल रात उनको उनकी अगुवाई के लिए बनारस पहुंचते हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, तो वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री का तीसरा दिन है। और आज रात्रि भोज के बाद कल सुबह उनका भारत के साथ प्रस्थान करेंगे अपने देश के लिए। वहीं आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री बनारस के अंदर में बन रहे विकास कार्यों के, जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसका एक समीक्षा करेंगे, उसको उसकी रेखी करेंगे। साथ ही साथ आपको बताया कि बनारस में बनाए जा रहे हैं, बनारस से इलाहाबाद हाईवे की निरीक्षण करेंगे, साथ ही साथ रिंग रोड की निरीक्षण करेंगे और दिव्य काशी भव्य काशी में जाकर वो वहां दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही
बनारस की आज ऐसे जब भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जाते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई होती है जो समाज से एक बेहतर नेताओं और मुख्यमंत्री एक बड़े तबके में बैठे और आम जनता के बीच वो बैठते हैं। अभी कुछ ऐसी तस्वीरें आती है तो माना ही जा रहा है कि मुख्यमंत्री औचक तरीके से कुछ ऐसे जगहों पे भी जा सकते हैं निरीक्षण को लेकर जो जनता के बीच एक चर्चा का केंद्र बना रहे हैं। जी अगर बात करी जाए उपहार भेंट करने की तो क्या चीज उनको भेंट करी जा सकती है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि कभी भी कोई भी मेहमान हमारे देश में आता है तो उसको स्मृति पूर्वक कोई चिन्ह दिया जाता है या फिर कुछ ऐसा उपहार दिया जाता है जो कि यादगार रहे, तो ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री को क्या दिया जा सकता है सीएम की तरफ से? जी शिखा आपको बताए कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि एक योगी है मठाधीश है वो पीठ के एक अध्यक्ष है तो साफ तौर पे हम देखें तो उनकी तरफ से धार्मिक पुस्तक और धार्मिक प्रतीक चिन्हों को हमेशा देते हुए देखा जा रहा है। तो माना ये जा रहा है कि ऐसे ही वो गिफ्ट से एक बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री को यहाँ से भेंट करेंगे। जो वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से टूरिज्म को लेकर जो राम मंदिर के मॉडल थे वो तमाम ऐसे उच्च अधिकारी एवं तमाम सैलानियों को दिए गए विगत कुछ वर्षों में। तो माना यह जा रहा है कि राम मंदिर या काशी विश्वनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी प्रतिमा उन्हें भेंट करेंगे और उनको यहां से विदाई के समय ये उन्हें भेंट कर उन्हें भेजेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आज वहां मौजूदगी के दौरान ऐसे कई जगहों पे औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, जैसे विकास कार्यों की अगर बात करें तो अगर देखें तो विभिन्न हाईवेज और सड़कें बनारस के अंदर में बनाई जा रही है, वहीं विंग रोड बनाया जा रहा है, काशी विश्वनाथ की जो तमाम ऐसी गलियां थी उनको तोड़कर एक भव्य काशी दिव्य काशी का निर्माण किया गया, उसकी भी रूपरेखा देखने आज मुख्यमंत्री जा सकते हैं। जी शिखा विभांशु, जिस तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दौरों पे रहते हैं, भारत के भी प्रधानमंत्री लगातार दौरों पर रहते हैं, तो इससे दोनों देशों के बीच जो अच्छा तालमेल बैठता है, अच्छे संबंध बनते हैं, तो इसका व्यापार पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है? जी बेशक, अगर भारत के जो उत्पादन है वो अगर विदेशों में जाकर बिके तो कहीं ना कहीं भारत के राजस्व और जीडीपी में ग्रोथ होगा। तो इसी कड़ी में हम अगर देखें तो मॉरिशस भारत से एक छोटा देश है और भारत के पास अगर रिसोर्सेस की बात करें तो यहाँ सूखे एवं गीले तमाम तरह के रिसोर्सेस है, चाहे बात की जाए फल, चाहे बात की जाए यहाँ मसाला, तो इन तमाम रिसोर्सेस को देखा जाए तो तमाम देशों को अच्छे तादाद में लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखे तो भारत से जुड़ी उत्पादनों को एक बार वहाँ इंपोर्ट होते हुए देखा जा सकता है। वही आशा अपेक्षा ये रहती है प्रधानमंत्री की मॉरिशस की कि भारत के साथ उससे मधुर संबंध रहे जिससे वो अपने आप को विकास कर सके, साथ ही साथ भारत के हर एक फैसले में मॉरिशस उनके साथ खड़ा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जो भारत का दौरा है, 3 दिवसीय दौरा, वो आज समाप्त हो जाएगा। कल सुबह वो प्रस्थान करेंगे मॉरिशस के लिए और आज पूरे दिन भर के कार्यक्रम निर्धारित हैं और साथ ही रात्रि भोज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ करेंगे। खबर संभल के असमोली थाना के गांव रामनगर से है, जहां स्वास्थ्य महकमे में जब गांव में हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाया गया तो भूचाल आ गया और 55 सैंपल लेने पर सभी पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद फिर 85 सैंपल लिए गए जिसमें 55 फिर पॉजिटिव मिले हैं और जांच में अब तक 50% से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस मामले पर गांव के लोगों का कहना है कि शुगर मिल की डिस्टिलरी से जमीन में दूषित पानी जाता है जिसके बाद हालात बिगड़े हैं। वहीं इस मामले पर शुगर मिल के अधिकारियों ने चुप्पी साधी है, जबकि डीएम और एसडीएम ने मामले पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो हेपेटाइटिस सी का प्रकोप संभल में लगातार देखने को मिल रहा है, आधे से ज्यादा संभल की आबादी इसकी चपेट में आ चुकी है। आपको बताते हैं कि हेपेटाइटिस सी से 50% अब तक लोग संक्रमित हो चुके हैं।
लगातार हेपेटाइटिस सी के मामले सामने आ रहे हैं और अब जो हालात है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। संभल के असमोली थाने के गांव रामनगर से ये खबर सामने आई, जहां स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। गांव में हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाया गया तो उसके बाद भूचाल आ गया, क्योंकि 55 सैंपल लेने के बाद वो सभी पॉजिटिव पाए गए थे। पहले 55 सैंपल पॉजिटिव पाए गए, तो जब इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए तो उसके बाद और 85 सैंपल लिए गए, जिसमें से 55 पॉजिटिव मिले, यानी कि अब तक 100 सैंपल पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। यानी कि गाँव की 50% आबादी अभी तक हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो चुकी है। उस मामले पर गाँव के लोगों का कहना है कि शुगर मिल की डिस्टिलरी से जमीन में दूषित पानी डाला जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो दूषित हो चुका है और हालात बिगड़ रहे हैं। इस मामले पर शुगर मिल के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संभल से संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस सी की वजह क्या है, क्या दूषित पानी की वजह से जो गाँव की 50% आबादी है वो संक्रमित हो चुकी है? आपको बता दूं, जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र में ये डीएसएम सुवल बीर पड़ता है, उसमें उससे गंदा पानी निकलता है और अगर जो गांव उसके पास में है, पास में आने के बाद में और बीमारी की तादाद बढ़ी है और कई बार अधिकारियों ने शिकायत कर चुके हैं ग्रामीण, फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया अधिकारियों ने, कोई और डीएसएम सुवर मिल चुप्पी साधे हुए पड़े हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है और 70 सैंपलों के बाद 50 पाए गए हैं और काला पीलिया बताया जा रहा है और नलों में से और उसमें गंदा पानी निकल रहा है। जी मुबारक, अगर बात करीजिए शुगर मिल की, तो क्या इसके गंदे पानी से पहले भी कई बीमारियां हो चुकी हैं? क्या पहले एक्शन लिया गया था, इस पे शिकायत करी गई थी? इस तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसमें अधिकारी कुछ अधिकारी पहुंचे थे मौके पर, आईडीएम साहब और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और असमोली मिल और डीएसएम सोर मिल चप्पी साधे हुए पड़ा है, इसमें कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ग्रामीण डीएसएम में बलंग हुए हैं। जी मुबारक, शुगर मिल के निकले हुए गंदे पानी से अब तक कौन कौन सी बीमारियों से पीड़ित हो चुके गाँव वाले? ज्यादातर काला पीलिया बताया जा रहा है। जी, और इस मामले पर जी मुबारक बोलिए। दूसरी तरफ जो ऐसी जो अधिकारी जो चप्पे साधे हुए पड़े हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और योगी सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं ये अधिकारी। और कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है उसके बाद पहले से कार्रवाई क्यों नहीं होती? और दूसरी तरफ जो हमें ग्राम पंचायतें और भी हैं उसमें काफी गंदगी का सामना करना पड़ा है, योगी सरकार ने सख्त आदेश कर दिए, साफ सुथराई साफ रखे और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अलाउड कर दिया है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी, अगर बात करिए डीएम और एसडीएम की, तो उन्होंने क्या कहा इस मामले पर? डीएम आईडीएम ने आश्वासन दिया है ग्रामीणों को और अभी तक आश्वासन नहीं दे रहे हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो वो कितना दुरुस्त नजर आ रहा है, जिस तरह से 100 सैंपल पॉजिटिव आ गए, तो क्या सही उपचार मिल रहा है गाँव वालों को? गांव स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार काम कर रही हैं और अच्छा उन्हें इलाज मिल रहा है और समय पर दवाई दी जा रही है। अभी मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी वहाँ मौजूद है, कई सैंपल भरे जा रहे हैं, 50 सैंपल निकले हैं। जी, अगर बात करी जाए बाकी लोगों की, तो क्या बाकी लोगों की सैंपलिंग भी अभी करी जा रही है? हाँ, बाकी लोगों की सैंपलिंग करी जा रही है, पूरे गाँव के सैंपल भरे जाएंगे। जी, अगर बात करी जाए बाकी की स्थिति की, तो क्या स्थिति अभी सामान्य है या फिर किसी व्यक्ति की हालत गंभीर भी बनी हुई है हेपेटाइटिस सी से? कुछ अभी स्थिति सामान्य है और कुछ उसकी क्या स्थिति बन हुई है और अभी 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 जांच की जा रही है और मनोज चौधरी मौके पर, नोडल अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और पूरे गाँव का विवरण किया जा रहा है। जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि गांव में हालत किस तरह से खराब है, शुगर मिल के द्वारा जिस तरह से दूषित पानी वहां से निकलता है उसकी वजह से ही लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो साफ पानी है वो भी दूषित हो रहा है और जिसकी वजह से आधे से ज्यादा गाँव की आबादी हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो चुकी है। सभी का सैंपल लिया जा रहा है, अभी तक 100 लोगों का सैंपल पॉजिटिव आ चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।